मध्य प्रदेश के उज्जैन में दरिंदगी का शिकार हुई 12 साल की बच्ची का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, खून से लथपथ नजर आई बच्ची। बच्ची से दरिंदगी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपी पर साक्ष्य छिपाने का आरोप। उज्जैन रेप कांड पर सीएम शिवराज सिंह का बयान, कहा भरत नाम के आरोपी को पकड़ लिया गया है, सख्त सजा दी जाएगी। बच्ची की मदद करने वाले आचार्य राहुल शर्मा बोले, बच्ची अपनी भाषा में कुछ बोल रही थी जिसके बाद उससे पेन डायरी दिए गए, 20 मिनट बाद आई पुलिस। उज्जैन रेप कांड पर गरमाई सियासत, कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा, बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के लिए शिवराज सरकार जिम्मेदार। दिल्ली महिला आयोग चीफ स्वाति मालीवाल बोली, 8 किलोमीटर लड़की पैदल गई लेकिन किसी ने मदद नहीं की, कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने शिवराज सरकार को घेरा, पूछा सरकार बताए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 20 साल में क्या काम किया गया। राजस्थान में रेप की बढ़ती घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा, कहा राजस्थान रेप के मामले में नंबर वन है, क्या गांधी परिवार इस पर जवाब देगा। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने ट्रेनों का चक्का जाम किया, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मोगा में भी किसानों का रेल रोको अभियान, 30 सितंबर तक चलेगा किसानों का ये अभियान। भोपाल में सनातन विरोधियों पर बरसे बाबा बागेश्वर, फिर की हिंदू राष्ट्र की वकालत। भोपाल में एयर शो को लेकर तैयारियां तेज की गई, फुल ड्रेस रिहर्सल। कावेरी जल विवाद को लेकर किसानों में बढ़ा रोष, मांड्या में किया गया विरोध प्रदर्शन। केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका, बीआरएस विधायक हनुमंत राव समेत 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड पर निशाना, सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह, चीमा और शिव नरवाल ने जीता गोल्ड। चीन में हुए रशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया सम्मानित, भारत के हिस्से में अभी तक आ चुके हैं 25 मेडल। वर्ल्ड कप की टीम में आर अश्विन को मिला मौका, चोटिल अक्षर पटेल की जगह हुए टीम में शामिल। दिल्ली में हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण, 5 अक्टूबर से मुकाबले की होगी शुरुआत, 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन, भगवान का लिया आशीर्वाद। भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का निधन, 98 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। कोटा में रहकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे छात्रों ने किया सुसाइड, यूपी के महाराजगंज था मृतक तनवीर। यूपी के मैनपुरी में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, 5 लोग पानी में डूबे। बिहार के नवादा में तालाब में डूबे 5 बच्चे, हादसे में 4 मासूमों की मौत। राजस्थान के डूंगरपुर में एक लग्जरी कार से 300 किलो चांदी और 24 लाख रुपए बरामद, 2 तस्कर भी हिरासत में। मध्य प्रदेश के दतिया में गवाह की अर्धनग्न करके पिटाई की गई, गला काटने की भी दी गई धमकी, साल भर पुराना बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के संभल में बलात्कार पीड़िता से अश्लील बातें करना, इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, किया गया निलंबित। माफिया अशरफ के साले सद्दाम को एसटीएफ ने दिल्ली से किया गिरफ्तार, सद्दाम पर घोषित था 1 लाख का इनाम। यूपी के मुरादाबाद में घर पर पाकिस्तान का झंडा लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी बोले इस्लामी झंडा समझकर लगाया था। यूपी में डेंगू का प्रसार तेज, प्रयागराज में पिछले 24 घंटों में मिले डेंगू के नए 11 मरीज, कुल मरीजों की संख्या हुई 131। फ्लाइट में देरी के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा, मुंबई से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट हुई थी लेट। झारखंड के पाकुड़ में के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों के खाने में मिली छिपकली, खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। गुरुग्राम के सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार बैन किया गया हुक्का, हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए सीएम खट्टर ने लिया फैसला। लालबाग के राजा के विसर्जन में उमड़ा जनसैलाब, भक्तों ने अगले साल फिर आने की प्रार्थना की। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान हुई जमकर बारिश, बीच पर पहुंचे लोगों को पुलिस ने किया दूर, बिजली गिरने से एक की मौत। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, तीर्थ पुरोहितों से की मुलाकात। इराक के शादी समारोह में मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि, सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। चेचन प्रमुख कादिरोव से मिले प्रेसिडेंट पुतिन, पुतिन ने कहा आपके लोगों ने अच्छा काम किया। रूस के बारूदी हमले में बर्बाद हुआ यूक्रेनी शहर, इमारतों को नुकसान। यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले जारी, MLRS से दागी मिसाइलें। उज्बेकिस्तान में एयरपोर्ट के पास हुआ जोरदार धमाका, विस्फोट के बाद आसपास की इमारतों में पहुंची आग। नॉर्थ कोरिया की संसद में परमाणु हथियार नीति पर चर्चा, किम बोले नई हथियार प्रणाली क्रांतिकारी कदम। ग्रीस में बाढ़ से हाहाकार, घर और सड़कें पानी में समाए। मलेशिया में भी बाढ़ से बदतर हुए हालात, जलमग्न हुए रिहायशी इलाके। न्यूयॉर्क में भीषण सड़क हादसा, स्कूल बस से टकराई कार, ड्राइवर की मौत। गिटार बजाते नजर आए अमेरिकी विदेश ब्लिंकन, बोले संगीत और कूटनीति नहीं छोड़ सकता। जलसे और जुलूस के साथ दुनिया भर में मनाया जा रहा है मिलाद उन नबी, यमन में भी हजारों लोगों ने पैगंबर मोहम्मद को याद किया।
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा चंडीगढ़ से गिरफ्तार, पेशी के बाद कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। विधायक सुखपाल सिंह खेहरा बोले, सीएम भगवंत मान और केजरीवाल बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा पर भड़की कांग्रेस, कहा झूठे आरोपों में फंसाए गए खेहरा। सुखपाल खेहरा की गिरफ्तारी पर आप नेता सुशील गुप्ता बोले, खेहरा नशे के कारोबारी हैं, कानून अपना काम कर रहा है। विधायक सुखपाल खेहरा के समर्थन में उत्तरी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के गवर्नर से की मुलाकात। पटना में सीएम नीतीश से मिले लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन और सीट बंटवारे पर हुई बात। बीजेपी के साथ जाने पर बोले जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, सात जन्म तक भी बीजेपी की ओर नहीं देखेंगे नीतीश।